हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर्स डिलाइट। मैगी तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी बहुत फेवरेट है। आपने कई तरीके से मैगी बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी मैगी की रेसिपी। यकीन मानिए, आपको इसका तंदूरी फ्लेवर बहुत पसंद आएगा, और अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 5-10 सेकंड भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चेपन की महक है वो निकल जाए। आप चाहें तो आप अदरक लहसुन बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे, उबले हुए मटर डालेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें ये जो मैगी के साथ मसाला आता है ना, वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चाट मसाला था उसमें भी नमक है, मैगी मसाले में भी नमक होता है। फिर भी आप टेस्ट करके देख लेना, अगर कम लगे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे और 1 मैगी डालेंगे। आप इसको बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं और चाहें तो छोटा छोटा भी तोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये मैगी ऑलमोस्ट बन गई है, इसमें थोड़ा सा ही पानी बचा है। अब हम इसमें मक्खन डालेंगे और ये पुदीने के पत्ते डालेंगे। यकीन मानिए, पुदीने के पत्ते डालने से एकदम तंदूरी फ्लेवर आएगा मैगी का ना। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गैस के दूसरे बर्नर पर एक कोयला रखेंगे और इसको गरम करेंगे जब तक कि ये लाल नहीं हो जाता। ये देखिए, कोयला अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसको एक कटोरी में डालेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर घी डाल देंगे और ये देखिए, और इसको ऐसे रख के इसको कवर कर देंगे। देखिए, थोड़ी देर हो गई है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, और ये देखिए धुआं निकलना भी कम हो गया है। अब हम इसको हटा देंगे और ये कटोरी बीच में से निकाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो ये अरोमा है ये सबके पूरी मैगी के अंदर चला जाए। ये देखिए, हमारी मैगी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारी तंदूरी मैगी बनकर रेडी है। यकीन मानिए, अगर एक बार आप इस तरह से मैगी बनाएंगे तो हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। आपके बच्चे तो इसको खाते ही इसके दीवाने हो जाएंगे।
आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय। बाय बाय।